ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज आपके साथ चर्चा करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका महा अगस्त का राशिफल क्या कहता है, कैसा जाने वाला है आपका महा अगस्त, इसके विषय में आपके साथ पूरी चर्चा करने वाले हैं हम। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हमेशा हम बोलते हैं कि राशिफल बताने से पहले आपको सबसे पहले हम ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है उससे अवगत करा देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य जो कि अभी अपनी मित्र राशि कर्क में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल ग्रह अभी अस्तावस्था में अपनी मित्र और नीच राशि कर्क में संचार कर रहे हैं सूर्य और शुक्र के साथ, लेकिन 8 अगस्त को ये अपनी मित्र राशि सिंह में ही प्रवेश करेंगे अस्तावस्था में। बुध ग्रह जो कि अभी अपनी स्वयं की राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह राहु के साथ संचार कर रहे हैं 1 अगस्त को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे, और 3 अगस्त को ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं तथा 22 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे। इस राशि में इनकी युति सूर्य मंगल और शुक्र के साथ होगी कुछ दिनों के लिए। गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में उल्टी चाल के साथ संचार कर रहे हैं, लेकिन 11 अगस्त को ये इनकी चाल भी मार्गी हो जाएगी, सीधी चाल चलना शुरू करेंगे ये। शुक्र ग्रह ये भी कर्क राशि में अस्तावस्था में संचार कर रहे हैं, 16 अगस्त को ये भी अपनी इस राशि को परिवर्तित करके शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करने वाले हैं अस्तावस्था में ही। शनि वक्री स्थिति में ही पूरे माह धनु राशि में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ संचार करते रहने वाले हैं। राहु भी अपने मित्र ग्रह अपनी मित्र राशि और उच्च की राशि मिथुन में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। और केतु भी अपनी उच्च राशि धनु में अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। ये तो था ग्रहों की गोचर में स्थिति। आइए अब आपके साथ चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में, और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। व्यवसाय इस माह आपके अपने रोजगार संबंधित हालात काफी अनुकूल रहेंगे। माह के आरंभ से मध्य के बीच आप अपनी कठोर भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, यह आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं। वैसे इस अवधि में आपके द्वारा लिए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपको कार्य करना है, यानी कि चाहे आप उनको जिम्मेवारियां कह सकते हैं, कुछ स्पेशल असाइनमेंट कह सकते हैं या प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, मैं उनकी ही यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ही सफलतापूर्वक आप उनको पूरा करने वाले हैं, सक्सेसफुल्ली कंप्लीट करेंगे आप उनको। इसके साथ आप अपने साथियों सहयोगियों व जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं कार्य करते हैं उनसे बहुत ही चतुराई एवं चालाकी से कार्य लेने वाले हैं आप, कार्य लेंगे आप उनसे। आपकी कुशलता बुद्धिमता की प्रशंसा आपके वरिष्ठ पदाधिकारी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा की जाने वाली है। आपका अपना रुतबा अपने विभाग में बना रहेगा और अपने विभाग में साथ ही आप इस माह बहुत अपने आप को एनर्जेटिक शो भी करेंगे और रहेंगे भी, और जो भी आप काम करेंगे बहुत ही एनर्जी के आपका, क्योंकि लेवल हाई होगा एनर्जी लेवल, तो बहुत उसके हिसाब से आप काम करने वाले हैं। वैसे जो व्यक्ति मैं कह दूं आपको कि जो व्यक्ति पुलिस फौज जैसी किसी संस्था में कार्यरत हैं, जुड़े हुए हैं वहाँ से, उन्हें भी अपने कार्यों में सफलता मतलब नहीं मिलेगी बल्कि प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। इतना ही नहीं है कि उनको खाली मतलब सफलता ही मिले, उसकी प्रशंसा भी उनकी की जाएगी उनके सहयोगियों के द्वारा, उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने रोजगार को लेकर ऐसी ही किसी विभाग में जाना चाहते हैं, ये रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं या इससे किसी मिलते हुए विभाग में प्रयासरत हैं, तो आप आगे बढ़िएगा। ग्रहों का सहयोग पूर्ण रूप से आपके साथ है और आपको सफलता प्राप्त होगी अपने रोजगार प्राप्त करने में। इतना ही हम आपसे यहाँ पर कह सकते हैं आपके व्यवसाय की स्थिति को जो हम देख रहे हैं। वित्तीय स्थिति इस माह आपकी आय कुछ प्रभावित रहेगी, लेकिन माह के आरंभ से मध्य के बीच आपको अपने परिवार की ओर से भी आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है, उसके भी पूरे योग बने हुए हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ प्राप्त करने वाले हैं इस माह। प्रेम संबंधों को लेकर तो इनकार किया नहीं जा सकता, प्रेम संबंध तो आपके चलेंगे रहेंगे, लेकिन इन संबंधों में कोई बहुत प्रगति के ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रगति हो, इस प्रकार के कुछ मतलब संकेत हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं।
आगे बताते हैं आपको विवाहित व्यक्तियों के संबंध के विषय में। तो आइए जानते हैं विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन के विषय में अगर बात करें तो इस माह उनके वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनेगी, साथ ही विचारों में कुछ मतभेद भी रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपके अपने पार्टनर के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी अवश्य रहेगी। संतान, आपकी संतान के द्वारा आपको उनकी शिक्षा प्राप्ति में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में बाधाएं आने वाली हैं। या तो किसी भ्रम के कारण कोई भ्रम पैदा हो जाए उसके कारण समस्या बन सकती है, या फिर उनके प्रयासों में कुछ कमी हो जाए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों में कुछ कमी रहे, ऐसा भी कोई कारण बन सकता है। लेकिन किसी ना किसी भी कारण से उनकी जो शिक्षा में प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य रहेगी। आप माता पिता होने के नाते उनके साथ जुड़ें और प्रयास उनको तेज करने के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य, आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर ग्रहों के संकेत अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा पूरे माह। उपाय क्या करें कि जो ऐसी समस्याएं बन रही हैं इस माह उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। तो देखिए मित्रों, एक तो हनुमान स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें और दूसरा ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्र की कम से कम 3 माला प्रतिदिन करिएगा, अवश्य लाभ होगा। यह था मित्रों आपके जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका राशिफल माह अगस्त के लिए। आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी आगामी हमारे प्रोग्राम्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।